आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला संभल के ब्लॉक संभल के गांव मडलाई पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 25 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से मात्र 3 किलोमीटर है। 1800 वोट और 4000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान हिमायतुल्ला ने अपने हाथों में संभाल रखी है। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर बांध दिया है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। ये गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। लॉकडाउन के चलते भी ग्रामवासियों की काफी मदद की गई है। ग्राम प्रधान हिमायतुल्ला और सचिव शिव शक्ल के द्वारा स्कूलों के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास कराया गया है। इन्होंने अपने कार्यकाल में कितना विकास कराया है और क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, आइए जानते हैं प्रधान पुत्र की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक संभल के मडलाई ग्राम पंचायत में। यहाँ प्रधान द्वारा अब तक क्या क्या विकास कार्य करवाए गए हैं, किस तरह से यहाँ लॉकडाउन के चलते लोगों का सहयोग किया गया है और क्या कोशिशें समय रहते इनकी जारी रहेंगी, इस सब के बारे में जानकारी लेकर के ग्राम प्रधान से हम यहाँ आपको बताएंगे। तो आइए बात करते हैं ग्राम प्रधान पुत्र से। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे कि ये कार्यकाल प्रधान जी का जो है पूरा होने को है, प्रधान जी आपके पिताजी हैं यहाँ, तो इस बीते हुए कार्यकाल में, बीते हुए जो समय बीत चुका है, इसमें क्या क्या विकास कार्य आपकी ग्राम पंचायत ने अब तक करवा दिए हैं? हमारे गांव में स्कूल की स्थिति बहुत खराब थी, पूरे स्कूल की व्यवस्था बहुत बढ़िया करा दी गई है। गांव के सड़कों का विकास बहुत कुछ कराया गया है। गांव में शौचालयों का विकास कराया, जैसे शौचालय से ओडीए हो गई थी पंचायत, और सड़कों की भी सारी सुविधाएँ बढ़िया हैं। सड़कों में मतलब जैसे जो आपने सीसी टाइल्स या सड़क निर्माण जो भी कराया है, तो इसमें क्या गांव के सभी रास्ते पक्के हो गए या अभी भी कुछ अच्छे हैं? एक दो रास्ता ऐसे हैं जिसकी अभी जरूरत है बनने की, बाकी ज्यादातर गाँव में सीसी टाइल्स करा दी गई है। ज्यादातर कुछ सीमेंट पेड भी करा दी गई है, कुछ सीसी टाइल्स करा दी गई है। आवास मिले हैं यहाँ लोगों को? आवास नहीं मिले हैं, लोग आवास मिले थे समाजवादी सरकार में, वो कम्प्लीट करा दिए गए हैं। कितने परिवार यहाँ अभी ऐसे होंगे जिन्हें आवास की जरूरत है? अभी तक 40-50 आवास लोगों को ऐसी जरूरत है, जो कि 40-50 आवास जो है लोगों को मिल जाने चाहिए, मिलने चाहिए। जैसे केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलती हैं, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, या जो सम्मान निधि का पैसा लोगों के खाते में आ रहा है, किसानों के खाते में, तो इन सभी योजनाओं का लाभ आपकी ग्राम पंचायत में सभी लोगों को मिलता है? सभी को मिल रहा है, और आगे कुछ ना कुछ लोग फिर भी रह जाते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी की मजबूरी रह जाती है, कमी रह जाती है, किसी काम की कमी रह जाती है, जो जिस कारण उन्हें कोई लाभ नहीं मिल पाता। जहाँ तक भी हमारी कोशिश है, हम ये चाहते हैं कि हर आदमी को जो भी जिस लायक है उसे लाभ मिलना चाहिए। सोलर लाइट नहीं लगवाई है, लगने की व्यवस्था चल रही है, और इस्टीमेट भी बनने की तैयारी है उनकी, और बाकी जो बिजली की व्यवस्था है वो चल रही है। अभी भी पीछे 4 ट्रांसफार्मर एक साथ में ही छूट गए थे गाँव के, वो हमने विधायक जी वाले हमसे कहकर वो बहुत जल्दी से लगवा दी। जी, मतलब विधायक जी की मदद से यहाँ बिजली की सुविधा जो है बढ़िया कराई गई। जी, साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है यहाँ? साफ सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी है, सफाई कर्मी हमारे गांव पर है, तैनात रहता है, और पूरे समय अपना वो सहयोग यहाँ काम सही से रेगुलर। जी, यहाँ पर पीने का पानी दूषित तो नहीं, क्योंकि आसपास के कुछ गांवों में ऐसा लगा था हमारे यहाँ पानी वहाँ दूषित है? नहीं, हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था सही है, चेकअप भी करा लिया गया था पीछे, जहाँ जैसे हुई थी आपकी तरफ से भी, तो हमारे यहाँ पानी की दिक्कत कोई नहीं है, सब बढ़िया। जी प्रधान जी, जैसे कि यहाँ पर 70 दिन का पूरी तरह से लॉकडाउन रहा, देश बंद रहा पूरी तरह से, तो कई लोगों के सामने बहुत बड़ी बड़ी परेशानियाँ आई हैं, आपके गांव में क्या ऐसे लोग थे जिनके आगे इस तरह का, जैसे खाने पीने को लेकर के या कोई और बड़ी परेशानी आई हो सामने, तो आपकी क्या मदद रही उन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए मदद, एक तो राशन डीलर से भी ये कह दिया गया कि देखो भाई, जैसे भी राशन आप बांट रहे हैं, इसमें कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए इस बीच, और हमारी तरफ से अगर आपके लायक भी हमारे लिए काम है तो हमें बताइए, हम किसी अधिकारी से कहने की बात है तो सही कहेंगे, और हमारे करने का किसी के लिए भी काम हुआ तो हमने उसके लिए पूरा सहयोग करा, अपने घर से भी बेहतर बड़ा करना आज का, और अगर उसमें कोई और भी अगर अगली समस्याएं हैं हमने वो भी उसकी पूरी करें। मतलब पूरी तरह से आपने यहाँ परिवार में ध्यान रखा है कि कोई परिवार किसी भी तरह से कोई परेशान है तो हम आधी रात उसके लिए तैयार हैं और रहेंगे। क्या यहाँ आसपास कोई कोरोना पेशेंट तो नहीं पाएगा, जैसे कि बाहर से लोग आए? नहीं, हमारे गांव में कोई कोरोना पेशेंट नहीं पाया गया, कोई अगर आया भी बाहर से तो हमने अंदर से बाहर से बाहर ही जिला अस्पताल में भर्ती करके उसकी जांच कराने के बाद में उस गांव में लाने का काम किया गया। जी, सरकारी बिल्डिंग में स्कूल के अलावा यहाँ बारात घर, पंचायत घर ये बने हुए हैं? नहीं, पंचायत घर या वो अभी कुछ नहीं है।
आंगनवाड़ी केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र बना हुआ है, खेल का मैदान नहीं है, कोई ऐसा शमशान घाट कब्रिस्तान सब कुछ है, शमशान घाट भी है, अस्पताल नहीं, अस्पताल 2-3 किलोमीटर जिला अस्पताल बना हुआ है संभल में, बहुत बढ़िया जी जी जी, बाकी यहाँ कोई स्वास्थ्य केंद्र वगैरह नहीं है, नहीं वैसे तो बरात घर होता या पंचायत में जो जी जी पंचायत भवन बना हुआ है। तो अब अपने गाँव को सुंदर और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग सरकार से रखना चाहेंगे आप? सरकार जो भी देगी हम अच्छे अच्छे काम गाँव में कराने का काम करेंगे, और जैसे कि गांव में कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिससे लगता है कि अगर सरकार की कुछ मदद मिले, किसी भी तरह की मदद सरकार धनराशि से दे, धनराशि बढ़ाकर दे या किसी और तरह की मदद दे, तो क्या समस्याएं ऐसी आपको लगता है कि गाँव के विकास के आड़े आ रही है जिससे चाहते हैं कि सरकार अगर मदद करे तो गाँव के सबसे पहले जो है उसका गाँव की परेशानी है कि गाँव में एक बारात घर बहुत ज़रूरी है हमें, जिससे लोगों को समस्याएं आती हैं या कोई प्रोग्राम के लिए, कोई बड़े प्रोग्राम के लिए दिक्कत आती है, जो छोटे लोग होते हैं उनके लिए परेशानी रहती है, इसमें इसमें सहयोग करना पड़ता है लोगों को ज़्यादा, अगर वो पंचायत भवन ऐसा कर पंचायत तो उसमें सब लोगों के लिए बेहतर होगा। जी जी, अब जैसे कि अनलॉक हो चुका है, हालांकि बीमारी अभी दिन ब दिन बढ़ने पर है, तो इसके लिए अपने ग्रामवासियों से कुछ कहना चाहेंगे? ग्रामवासियों से इत्याजन अपने सभी लोग इत्याजी कर रहे हैं, और ये कह दिया है कि सभी लोग मास्क लगा कर रहे हैं, दूरी बना कर रखें, और इसका जो है सभी लोगों को पालन करना चाहिए, पालन करते। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान पुत्र से हमने यहाँ बातचीत की है, काफ़ी विकास इन बीते 4-4.5 सालों में यहाँ इनके द्वारा करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, आवास कुछ ही लोगों को यहाँ मिले हैं, लेकिन अब भी लगभग 40 से 50 परिवार यहाँ ऐसे हैं जिन्हें आवासों की ज़रूरत है। शौचालय से गांव पूरी तरह से ODF हो चुका है, स्कूल में भी कायाकल्प के अंतर्गत काफ़ी विकास कराया गया है। इसके अलावा यहाँ अगर समस्याओं की तरफ नज़र करें तो कुछ मूलभूत समस्याएँ यहाँ अभी भी मौजूद हैं, जैसे कि बारात घर, पंचायत भवन जो कि यहाँ अभी तक निर्मित नहीं है, खेल का मैदान या अस्पताल जो यहाँ बना हुआ नहीं है, इसको लेकर के ग्राम प्रधान ने यहाँ प्रमुख मांग रखी है, बारात घर पंचायत घर यहाँ होने चाहिए, क्योंकि छोटे मोटे कार्यक्रम के लिए भी या सभाओं के लिए भी यहाँ लोगों को जगह की काफ़ी परेशानी होती है। मुशरफ अली के साथ मनाजरीन Today24। आइए जानते हैं ग्राम प्रधान से कि यहाँ किस तरह की कुछ समस्याएं अभी बाकी हैं जिसके बारे में वो कुछ कहना चाहते हैं, सही बात करते हैं। प्रधान जी क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार से निवेदन है मेरा कि हमारे गांव की एक वो बाईपास जो आया है उसके अंदर कोई खरंजा आ गया है, और बाईपास उधर से आकर भी बराबर में है, मैं ये चाहता हूँ कि उस खरंजे की अच्छी सुविधा हो जाए, उस खरंजा हमारा सही हो जाए, और थोड़ा सा रास्ता इधर है गांव के बराबर में पश्चिम में आबादी में, वो थोड़ा सा वो आगे चल कर चौराहे तक है, वो भी उससे मिल जाए, और बाकी हमारे ये सभी रास्ते PWD विभाग में आते हैं। हाँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये रास्ता हमारा अच्छा हो जाए तो हमारे गांव की बहुत अच्छी सुविधा हो जाएगी, और सरकार से ये हमारी मांग है कि इन कामों को हमारा पूरा कराया जाए। जी सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। किस विद्यालय में और किस पद पर कार्यरत हूँ आप? मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय मनलाई में सहायक अध्यापक हूँ, फिलहाल मैं इंचार्ज विद्यालय। बीते 4.5 वर्ष हो गए ग्राम प्रधान जी के कार्यकाल को, यहाँ पे ग्राम प्रधान द्वारा विद्यालय में क्या क्या विकास कराया गया? देखिए, ग्राम प्रधान द्वारा हमारे विद्यालय में बाउंड्री वाल का निर्माण किया गया है, पहले बाउंड्री वाल ऐसी नहीं थी, बहुत छोटे लेवल की थी, शासन आदेश के अनुसार इसमें पैसा भी आया है और उन्होंने अपने मन से लगाया भी है ग्राम प्रधान ने। गेट का निर्माण किया गया है, जहाँ फर्श टूटा हुआ था, गहरे गहरे गड्ढे थे, वहाँ CCTV टाइल्स लगवाए हैं, इसके अलावा पानी की व्यवस्था हेतु समर से भी लगाया गया है, हैंड वॉश सिस्टम बनाया गया है, शौचालय आदि की मरम्मत की गई है, पक्का शौचालय बनाया गया है। जैसे कि यहाँ पे खेल प्रतियोगिता में क्या कुछ रहा है यहाँ पे? खेल पढ़ाई के लिए तो हम प्रयासरत हैं, हम कोशिश करते हैं कि ये पिछड़ा इलाका है, बच्चे जो हैं पढ़ाई में कमज़ोर हैं, लेकिन उन्हें जागरूक किया जा रहा है हमारे द्वारा, और हमारे साथ साथ पूरा समर्थन हमारे ग्राम प्रधान और जो हमारी एक विद्यालय प्रबंध समिति है उसके अध्यक्ष का भी है, इनके ही प्रयास है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चे आज खेल में भी रुचि ले रहे हैं, और इस हद तक रुचि ले रहे हैं कि आज हमारी विद्यालय की टीम
मंडल की वॉलीबॉल प्रतियोगिता में जीत कर आई है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है और ये कोविड 19 की वजह से प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता नहीं हो पाई, अन्यथा हमारे पूरा भरोसा है कि हमारी टीम जो है वो प्रदेश स्तरीय टीम मैच भी जीत कर आती। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद उमर है। मोहम्मद उमर कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा जी, आप 4.5 वर्ष से ज़्यादा हो गए ग्राम प्रधान जी के कार्यकाल को, विकास को लेकर क्या कहना चाहोगे? विकास तो साहब प्रधान जी ने इतना कराया, सड़कों का, नालियों का और लोही आवासों का, ये बहुत ही देखभाल करते हैं, बहुत ही मेहनत करके सब सीसी टैल्स सीमेंटेड और नालियों का बहुत रास्ता, या कोई भी अब ये लॉकडाउन में आदमी को सर ये कह दी ऐलान करके कोई भी आदमी परेशान ना होगा, किसी को अनाज की पैसे की कैसी चीज़ की जरूरत हो तो हम उसका पूरा करके देंगे, भूखा नहीं बनना चाहिए मुझे। डीलर से कह दी, डीलर से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए गले में, चाहे बिल्कुल अपने घर से बैठ जाए मगर पब्लिक भूखी नहीं बननी चाहिए। अच्छा थोड़ा सा समस्या हमारे यहाँ है, बाईपास के मोड़ से, बाईपास गाँव में वो रोड जा रही है, बाईपास के मोड़ से मिल जाए तो हमारे यहाँ रोड जरा बढ़िया काम हो जाएगा, सरकार इस पर ध्यान दे दे, हमें काम दे दे तो और हमारे प्रधान जी का जरा सहयोग से काम हो जाएगा और बढ़िया हो जाएगा काम से। जी धन्यवाद।